ताज़ातरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर खबर सबसे पहले। और नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर असद का कहना है कि 20 मुनर फरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, इनकी तहाजात नाहली होगी। तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने मुनर फरकान को नोटिस दिया, इनका जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है, 20 मुनर फरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, इनकी तहाजात नहली होगी। उन्होंने बताया कि कल वज़ीर आज़म ने मरकजी पार्लियामानी बोर्ड का अजलास बुलाया, अगले इलेक्शन के अंदर 99 दिन रहते हैं। सेक्रेटरी पीटीआई ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हमें आइन के दरस दिए जा रहे हैं, जबकि याज सादक ने इजलास में स्पीकर की गैर आइनी नशीत संभाली। मेरे ख्याल में नए इलेक्शन ही वाद हल हैं, फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगी जिससे इंतजार फैलने का खतरा ना हो।